और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन रही है, बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी बाबा गोला गोकर्णनाथ के पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है, 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्श्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्ति ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी, प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था, देश के अंदर आतंकवाद नक्सलवाद सिर चढ़कर के बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान, जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको ये जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। ये नया भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री सर्वे कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन आज बहन और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं,
समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग पांच लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तीन के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। जीरो बटे जीरो होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं बहन और भाइयों, उनके लिए ये चुनाव सत्ता प्राप्त का साधन होगा। इनके इन प्रकार इन्हें सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विश्वमन करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है, और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है।